आईबू, अब अपनी तो क्या है, इतने क्या अपने इतनी खरीदारी करे हैं। ईद तो अपनी शादी के पहले होती थी, ए ससुराल में से कैसी भर भर के ईदिया होती थी अपनी है। ए मेरे चप्पलों के माप ले जावे, जोड़े एक से एक भी जावे, चार पांच जोड़ी जोड़े हैं। चूड़ियों के माप तक ले जाते थे, अब तो चप्पल तो दूर की बात, धनियों की चप्पला खा रहे वो बात अलग है कि रोज अपना धनियों की चप्पला खा रहे हैं। आप लोग को कौन पूछता है। तो बदी नेडियो को आज कहती हूँ, बदी छोकरियों को, कि कोई भी शादी बादी ना करो। शादी के बाद आप लोग को धनी भी सीरियसली नहीं लेता था। ये शादी के पहले तो मेरे है ना ये माथे में डालने के बक्कला तक मैचिंग मैचिंग आते थे, कपड़ों के मैचिंग। मेरी सास तो है ना बक्कला भी मैचिंग भिजवाती थी, ये लाली लिपस्टिक का भी खर्चा नहीं होता था। और ईद के दिन रोकड़े पैसे दे वो अलग, पीछे मेरी खाला सास ने फपू सास के वहाँ फिर इधर उधर रिश्तेदार जाओ वो को रोकड़े पैसे दे वो अलग। ना अभी तो देखो मुई ना ससुराल वाले पूछते हैं ऊपर से गीले सिकवे करे वो अलग है कि भाई हमारे इनके बच्चों को ईदी देनी कि उसके बच्चों को, लोगों को देने में जाते हैं। अब तो ना अपनी बहुओं की कोई इज्जत है शादी के बाद, इज्जत तो शादी के पहले जो होती थी। धनी भी पूछता था ने सासा भी पूछे ने सब रिश्तेदार पूछे। तो बदों को एज कहती हूँ कह नक्की वक्की करके रखने का, बड़ी छोकरों के नक्की करके रखो, मंगनिया करो, शादी मत करो, शादी के बाद कोई नहीं पूछता। अभी बच्चों की ईद हो जाओ ना अपनी वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बाकी मेरा धनी तो रोदड़े जो रोया करता है बारह मास, क्या करने का वही। चलो कोई नहीं, अब करती हूँ मैं। अभी रमजान में क्या बुराई करने की अपने धनी की, अपने सावरे वालों की, जैसे भी अब क्या करे, रहना तो